हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे बोलते हैं गूगल लेंस। इस फीचर्स को बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और बहुत सारे लोगों को इस फीचर्स के बारे में पता नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर। गूगल लेंस गूगल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मेनली आप कहीं प्लेसेस पे जाते हैं, वो प्लेसेस आपके लिए अननोन है। कहीं आप शॉपिंग करते हैं कोई सामान को, उसके बारे में आपको जानना है तो गूगल लेंस का आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, वहाँ आप मेडिसिन परचेज करते हैं, उस मेडिसिन के बारे में आपको जानना है, उसके प्राइसेस, उसके डोजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हैं। तो मेनली चलिए देखते हैं दोस्तों, आखिर गूगल लेंस कैसे काम करता है। गूगल लेंस यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन करने के बाद आपका साइड में तीन टाइप से लाइन रहता है, जिसको क्लिक करने के बाद यहाँ गूगल लेंस की ऑप्शन दिखती है। मान लीजिए ये अनार का पेड़ है, इसको हमको जानना है। मुझे नहीं पता है कि ये अनार का पेड़ है, ठीक है। हम गूगल लेंस का यूज किए, क्लिक किए, फोटो देखिए, यहाँ पे आपका गूगल के थ्रू आ गया अनार का पेड़, ठीक है। तो इस प्रकार आप गूगल लेंस का डेली लाइफ में ट्रेस पहचानने में यूज करते हैं। सेकेंड है, आपको बोया का माइक है। आप यहाँ पे नीचे पे देखिए, ये ट्रांसलेट से लेकर के सर्च टेक्स्ट, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ शॉपिंग ऑप्शन पे जाते हैं। शॉपिंग ऑप्शन में जाने के बाद उसको हम लोग क्लिक करते हैं तो बोया का माइक आपका सेम हो बहू आपको गूगल में दिखने लगेगा, जिससे आप उसका फीचर्स जान सकेंगे, प्राइसेस जान पाएंगे मार्केट में के क्या प्राइस है। आपको अलग से गूगल में सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोया का माइक आपका हो बहू गूगल में मिल गया है। कप सिरप है, जिसको हम लोग गूगल लेंस से स्कैन किए और इतने सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं गूगल में सेम हो। अब इसके बारे में आपको जानना है क्या प्राइसेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या डोजेज है, तो इन सारे को आप गूगल के माध्यम से जान सकते हैं। आपको अलग से गूगल में टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप गूगल लेंस का डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस प्रकार आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।